वीआईपीज के शो में आने से पूरे घर का माहौल बदल गया है। सोए हुए सदस्य वापस अपने टास्क और अपनी ट्रॉफी के लिए दावेदारी को लेकर अलर्ट मोड पर आ गए हैं। अब रिसेंटली बिग बॉस ने फिर से वीआईपीज और नॉन वीआईपीज को भिड़वाने के लिए एक नया गेम प्लान बनाया। एक साइड थे निशांत, प्रतीक, तेजस्वी, करण, उमर, शमिता और राजीव। वहीं दूसरी ओर देवोलीना, रश्मि, अभिजीत, रितेश और राखी। टास्क में नॉन वीआईपीज को क्ले की बनी अपनी तलवारों को प्रोटेक्ट करना था। इस दौरान शमिता और देवोलीना के बीच इतनी बहस हुई कि बेचारी शमिता ने टास्क को बीच में ही छोड़ दिया और खुद ही बाहर हो गई। इसके बाद चांस आई तेजस्वी की, जिन्हें रश्मि और देवोलीना घमंडी और बदतमीज कहकर चिढ़ाने लगी। अब ये बात तेजा को इतनी बुरी लग गई कि तीनों के बीच कैट फाइट स्टार्ट हो गई। मौके का फायदा उठाते हुए राजीव ने भी प्रतीक की तलवार तोड़ दी ताकि नॉन वीआईपीज में से वो विनर डिक्लेयर हो जाए। तो इस खींचन ताने के बाद फाइनली नॉन वीआईपीज वीआईपीज को हराने में सक्सेसफुल होते हैं, जिसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर ये बिग बॉस है भाई, यहाँ हर स्टेप पर एक ट्विस्ट आपका वेट कर रहा होता है। इस डिफीट के साथ ही वीआईपीज के 50 लाख के खजाने में से 3 लाख रुपए कट गए। साथ ही किन्हीं दो लोगों को मौका भी मिलेगा वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स के साथ लग्जरी रूम के मजे लेने का। वेल, ये तो आप सब जानते ही हैं कि जब से घर में 5 नए सदस्य आए हैं, तब से माहौल और रिश्ते कुछ बदल गए हैं। उमर, तेजस्वी और करण, जो कि बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अब बात बात पर एक दूसरे से बहस करते हुए दिखाई देते हैं। उमर की कुछ ही दिनों पहले तेजस्वी से जमकर बहस हुई, जिसके बाद करण ने तेजा को समझाया कि उमर तेरी बात क्यों सुनेगा, तू उसको कुछ समझाने का हक नहीं रखती, उसे जो सही लगेगा वो वही करेगा। अब ये तो सब जानते हैं कि रश्मि और उमर रियाज पहले से अच्छे दोस्त हैं। इसलिए जब तेजा और रश्मि की बहस हुई तो उमर ने रश्मि को डिफेंड किया, जो तेजा को बिल्कुल रास नहीं आया। इस बात पर करण ने उन्हें समझाया भी, लेकिन उन्होंने करण को भी चुप करवा दिया कि अगर उमर रश्मि को इतना पसंद करता है तो ओपनली क्यों नहीं बोल देता। अब भाई एपिसोड दर एपिसोड सबकी घर में इक्वेशंस बदलने लगी है। लगता है मेकर्स का पुराने कंटेस्टेंट्स को बुलाने की तरकीब काम कर गई। तो आपको क्या लगता है, इस हफ्ते कौन सा सदस्य होने वाला है घर से बाहर, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। बिग बॉस की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।